नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है शहर की हवा, यानी बहुत सारे लोगों को शहर की हवा लग जाती है। वो गांव में रहते हैं लेकिन उनको शहर में रहने की मन करने लगता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से ही शहर में रह रहे हैं या बहुत दिनों से शहर में रह रहे हैं लेकिन उनको गांव बहुत पसंद आता है। गांव की आबो हवा उनको बहुत अच्छी लगती है, उनको मन करता है कि थोड़ी सी भ्रमण की जाए, खेतों में घूमा जाए, गांव के रीति रिवाजों में रमा जाए, इस प्रकार की इच्छाएं करती हैं। और गांव में रहने वाले लोगों को मन करता है कि वो भी बड़े बड़े मॉल में घूमने जाते, बड़े बड़े पार्टी फंक्शन अटेंड करते, शहर में घूमते, उनको ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, कौन सी चीज़ अच्छा होता है, कौन सी चीज़ करना चाहिए इंसान को, आज की इस क्लास में मैं इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस कहानी का नाम है शहर की हवा। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये जो मात्रा देख रहे हैं ना, टोटल स्टोरी, ये जो स्टोरी है आज का, ये पूरे स्टोरी में इन्हीं सब मात्रा का यूज किया गया है, यानी इनसे बाहर एक भी नहीं मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए, वा में क्या है, बड़ी की मात्रा। यहाँ पर भी देखिए, ये बड़ी की मात्रा है, देख रहे हैं ना, बड़ी ई है, इसका मात्रा है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद देखिए छोटी की मात्रा, प में क्या लगा है, छोटी की मात्रा जो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए छोटा ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ है। स में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे ए की मात्रा, देखिए जो ए लगा हुआ है, ए की मात्रा यहाँ पे ज में लगा है, बजे लिखा है ना, यहाँ पे हे में लगा है, थ में लगा है, ब में लगा है, ख में लगा, ये सब में क्या लगा, ए की मात्रा लगा है। यहाँ पे देखिए है जो लिखा है, यानी ह में किसकी मात्रा लगा है, अ की मात्रा लगा है। क्या लगा है दोस्त, यहाँ पे अ की मात्रा लगा है। यहाँ पे जो को लिखा है यानी क में ओ की मात्रा लगा है, समझ रहे हैं ना। ऐसे ये पूरे स्टोरी में आपको ये चीज़ मिलेगा कि यही सब मात्रा के सहायता से दुनिया का कोई भी शब्द बनता है। और अगर इन सब शब्दों को एक एक करके इस मात्रा के हेल्प से सीखते हैं और शब्दों को जोड़ जोड़ के कहानी के माध्यम से सीखते हैं तो आप बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है न, व में बड़ी ई की मात्रा, जो कि ये बड़ी ई है और इसका मात्रा लगा है, ऐसे न वी न, क्या लिखा है, नवीन, को यानी क में ये ओ की मात्रा देख सकते हैं, को, उसके, उसके यानी क में ए की मात्रा है, उसके, पिता, पिता यानी प में छोटी की मात्रा, और त में क्या है, आ की मात्रा, यहाँ पे देख लीजिए पिता, सुबह, सुबह यानी स में उ की मात्रा, तो सुबह, सुबह, चार, चार, ब जे, क्या पढ़ेंगे, बजे यानी एक की मात्रा है, यहाँ पे चार बजे उठा रहे थे नवीन को, उसके पिता सुबह चार बजे उठा रहे थे, बेटा, क्या लिखा है दोस्त, यहाँ पे लिखा है बेटा यानी ब में एक की मात्रा, बेटा, बेटा उठ जा, क्या लिखा है, बेटा उठ जा, खेत पर चलना है, कहाँ चलना है, खेत पर चलना है। ऐसे नवीन के जो पिता हैं वो उसको उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटा उठ जा, खेत पर चलना है, ठीक ना। देखिए उसके बाद नवीन को बहुत गुस्सा, यानी गु आधा स है फिर पूरा स है, क्या लिखा है, गुस्सा, नवीन को बहुत गुस्सा आ रहा। देखिए ऐसा भी होता है कि जब सुबह होती है और घर की गार्जियन, किसी के भी घर के गार्जियन सुबह सुबह जगाते हैं तो थोड़ी सी बच्चे को, लड़के को या कोई भी घर की अगर यंग है उसको बुरा लगता है, वैसे ही नवीन नाम का एक लड़का है उसको गुस्सा आ रहा था। उसने कहा बाऊजी अभी जाकर क्या करेंगे, बाबूजी अभी जाकर क्या करेंगे, अभी तो दिन भी नहीं निकला है, अभी जाकर हम लोग क्या करेंगे, अभी तो दिन भी नहीं निकला है, ऐसा नवीन बोला अपने पिताजी से।
वहां क्या नजर आएगा, वहां क्या नजर आएगा नवीन के पिता मोहनलाल जी, क्या लिखा है मोहनलाल जी ने कहा, यानी नवीन के पिता का क्या नाम है दोस्त यहाँ पे मोहनलाल जी, तो नवीन के पिता मोहनलाल जी ने कहा बेटा यही सही समय है खेत में काम करने का, यही सही समय है खेत में काम करने का, दोपहर को सो लेना, दोपहर को क्या कर लेना सो लेना। झुंझला कर नवीन उठा और पिता के साथ खेत पर पहुंच गया, नवीन जो है झुंझला कर उठा और पिता के साथ खेत पर पहुंच गया। दोनों बाप बेटे अपने खेत पर काम करने में जुट गए, दोनों बाप बेटे अपने खेत पर काम करने में जुट गए। नवीन को खेत पर काम करना अच्छा नहीं लगता था, नवीन को खेतों में काम करना, खेत पर काम करना अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था वह, तो पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता था। वही चीज़ मैं जो बताया हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो गांव में रह रहे हैं बचपन से, उनको ऐसा लगता है कि सब मज़ा जो है शहर में ही है, वैसे ही नवीन भी चाहता था कि पढ़ लिखकर शहर जाए, लोग उसको गांव की आबोहवा अच्छा नहीं लगती थी। लेकिन मोहनलाल जी चाहते थे कि उनका बेटा खेती करे, लेकिन मोहनलाल जी क्या चाहते थे कि उनका बेटा जो है खेती करे। शहर का जीवन उन्हें पसंद नहीं था, क्या था शहर का जीवन उन्हें पसंद नहीं था। सूरज सर पर चढ़ आया था, सूरज क्या था सर पर चढ़ आया था, तेज गर्मी से बुरा हाल था, दोपहर की समय थी, काफ़ी गर्मी थी, गर्मी में बुरा हाल था। सूरज सर पे कब होता है जब दोपहर की समय रहता है, यानी 12-1 बजे के आसपास, ठीक ना। दोनों बाप बेटे काम अधूरा, धाम क्या है बड़ू की मात्रा है अधूरा, छोड़कर घर की ओर चल देते हैं, दोनों बाप बेटे काम अधूरा छोड़कर घर की ओर चल देते हैं। अब शाम को 4 बजे दोबारा काम पर लौटेंगे, अब शाम को 4 बजे दोबारा काम पर लौटेंगे। रास्ते में एक दुकान के बाहर मोहनलाल जी के पुराने दोस्त, रास्ते में एक दुकान के बाहर मोहनलाल जी के पुराने दोस्त रोशन जी मिल गए, कौन मिल गए उनके पुराने जो दोस्त थे रोशन जी मिल गए। उन्हें देखते ही मोहनलाल ने कहा, रोशन यहाँ दुकान पर बैठकर क्या कर रहा है, रोशन ने कहा बस कुछ सामान लेने आया था, तू सुना खेत से आ रहा है क्या। नवीन ने रोशन जी के पैर छुए तो वो बोले, नवीन जो था लड़का जो था रोशन जी के पैर छुआ तो वो बोले लगता है बेटे को खेती सिखा रहा है, इसे यहीं गांव में रखने का विचार है, क्या अरे इसे पढ़ने दे फिर शहर में अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, यह सुनकर मोहनलाल जी ने कहा, अरे क्या रखा है शहर में पैसों के पीछे पागल हैं लोग, वैसे तू सामान लेने क्यों आया, आज क्या घर में दावत है,
आज क्या घर में दावत है? रोशन जी ने झेपते हुए कहा, वो कल कमल का फोन आया था, कमल का फोन आया था, वो छुट्टी मनाने के लिए घर आ रहा है। वो क्या किस लिए आ रहा है? छुट्टी मनाने के लिए घर आ रहा है अपने बच्चों के साथ। किसके साथ? अपने बच्चों के साथ। मोहनलाल जी ने कहा, और तू लग गया मेहमान नवाजी करने, तेरा बेटा छुट्टी पर पिकनिक मनाने आ रहा है, और तू लगा मेहमान नवाजी करने। यहाँ पे दोस्त लिखा है छुट्टी यानी छू, आधा ट, देखिए आधा ट को ऐसे भी लिखा जाता है यानी ट के नीचे से हलन देकर, और आधा ट पूरा ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। छुट्टी मनाने आ रहे हैं, क्या फायदा? बच्चे मेहमानों की तरह आते हैं, फिर जल्दी ही चले जाते हैं, हम उनका स्वागत करते रहते हैं, दो दिन बाद वो चले जाते हैं। कभी तू भी गया है शहर उनके घर? रोशन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ भाई कह तो तू ठीक ही रहा है, जब से शहर गया है बस साल में एक दो बार अपनी गाड़ी लेकर पिकनिक मनाने आ जाते हैं, दस दिन पहले फोन कर देते हैं, हम पूरा घर सजाने में लग जाते हैं और दो दिन बाद मेहमान की तरह चले जाते हैं, क्या फायदा है ऐसे बच्चों की मेहमान नवाजी से? रही बात मेरे जाने की, तो उनके फ्लैट में हमारे लिए जगह ही नहीं है। ऐसा भी है दोस्तों, शहर में बहुत कम जगह होता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर में काम करने वाले, मैंने देखा है, मैं खुद रहा भी हूँ, कि एक ही रूम में सब कुछ करना है, मतलब कि एक ही रूम में खाना बनाना है, एक ही रूम में सब कुछ रखना है, सोना है, जो भी करना है, काम करना है, सब कुछ करना होता है। नवीन को इन बातों से चिढ़ हो रही थी, वह बोला, क्या चाचा आप भी कमल भैया को बुरा बोल रहे हो? जानते हो वो कितनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं? मैनेजर, अरे जो अपना घर मैनेज, मैनेज नहीं कर पाया, अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ गया, वो कंपनी क्या मैनेज करेगा? जो अपना घर मैनेज नहीं कर पाया, जो माता पिता को बेसहारा छोड़कर चला गया, वो अपना घर क्या मैनेज कर पाएगा? पढ़ लिख कर पैसों के पीछे अपने परिवार को छोड़ देना कहाँ की समझदारी है? मोहनलाल जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, नवीन को उनकी बात बुरी लग रही थी, इधर रोशन जी शर्म से पानी पानी हो रहे थे, वो बोले, अब जैसा भी है ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ।
उनके जाने के बाद दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं। नवीन और उसके पिता के विचारों में कोई मेल नहीं रह गया था। माँ विमला जी ने नाश्ता बनाया, दोनों नहा धोकर नाश्ता करने बैठी थे, तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनकर दोनों बाहर निकल आए। नई चमचमाती गाड़ी में कमल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रोशन जी के घर की ओर जा रहा था। नवीन बोला, देखा इसे कहते हैं तरक्की, कितनी बड़ी गाड़ी है, मैं अभी कमल भैया से मिलकर आता हूँ। मोहनलाल जी ने कहा, अरे नाश्ता तो करता जा। लेकिन नवीन उनकी बात सुने बगैर रोशन जी के घर की ओर चल दिया। मोहनलाल जी ने कहा, विमला सुन, तेरे बेटे पर शहर का रंग चढ़ रहा है, यह भी एक दिन हमें छोड़कर भाग जाएगा। विमला जी ने कहा, कहाँ, जरा सा बच्चे के पीछे पड़ गए, अभी तो वो आठवीं में पढ़ रहा है। कहाँ उसके पीछे आप पड़ गए हैं, अभी कहीं नहीं जाने वाला है, ऐसी उसकी माँ ने कहा। मोहनलाल जी बाहर पेड़ के नीचे खाट बिछाकर आराम करने लगे। विमला जी अपने काम में लग गई। इधर नवीन कमल भैया से मिलकर आया, वह बहुत खुश था। कमल भैया ने उससे कहा, नवीन तू पढ़ लिख कर शहर आ जा, मैं तुझे कहीं ना कहीं फिट कर दूंगा। यहाँ गांव में क्या रखा है। नवीन भी बड़ी गाड़ी और शहर में अच्छी सी नौकरी के सपने देखने लगा। बड़ी गाड़ी नवीन को मिल गया, ठीक ना। इस तरीके से दोस्तों नवीन भी अब शहर की चाह रखने लगा, इच्छा रखने लगा। ऐसे करते करते कहानी और भी बड़ा है, आगे बढ़ता है। दोस्तों आज का क्लास इतना ही पर मैं रहने देता हूँ। हो सकता है कि इसके अगले पार्ट में मैं बाकी कहानी लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।